कारण पुण्यातला तुम्हाला अपेक्षित असा निकाल यायला सुरुवात झालेली आहे. अर्थात सत्ताधारी पक्षाला अनपेक्षित असला तरी काँग्रेसला मात्र अपेक्षित निकाल होता असं वारंवार तुम्ही देखील बोलला होता, काय नेमकी प्रतिक्रिया? कसबा हा मतदारसंघ भाजप गृहित घेऊन चालायचा की आमचा सातबारा त्या ठिकाणी लिहिलेला आहे. पण भारतीय जनता पार्टीने जी संस्कृती संस्कार सांगून इतके वर्ष त्या ठिकाणी मतं घेतली, कसब्याची लोक ज्या पद्धतीने गृहित धरून पकडत होते, तर आज कसब्याच्या जनतेने भाजपला आता उत्तर दिलं. मग महागाई असेल, बेरोजगारी असेल, छोटा व्यापारी असेल, या सगळ्यांनी मिळून त्यांना उत्तर देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. हे आम्ही सुरुवातीलाही आपल्याला सांगितलेलं होतं. आणि एक गोष्ट आपण पाहिलं की भाजपची खरी संस्कृती या निवडणुकीच्या माध्यमातून पुणेकरांनी पाहिली. पैशाचा वापर, मंत्री आणि पोलिसांच्या सहयोगाने पैसे वाटल्यात ते दूरचित्रवाणीवर आपण ते सगळं फुटेज पाहिलेले आहेत. तडीपार लोक मंत्र्यांसोबत फिरतानी आपण पाहिलेले आहेत. आणि या पद्धतीचं एक प्रकारची लोकांना दहशत निर्माण करून पैसे वाटून लोकांना आम्ही विकत घेऊ शकतो ही संस्कृती भाजपने या निवडणुकीमध्ये दाखवलेली आहे. आणि म्हणून त्याचं उत्तर या ठिकाणी जनतेने भाजपला दिलेलं आहे. आणि महाविकास आघाडीचे चिचवडचा असो या कसब्याचे असो दोन्ही उमेदवार आमचे निवडून येतील आणि त्या पद्धतीचं चित्र निकाल पूर्ण आल्यानंतर स्पष्ट होणार. सत्ता होती, मंत्री तिथं बसून होते, आमदार अनेक बसून होते, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनेक रॅलीज पार पडल्या, तरी देखील ही सत्ता भावली नाही असं म्हणायचं का? सत्तेचा दुरुपयोग भाजप कसं करते याचं दर्शनच पुणेकरांनी नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रांनी पाहिलेलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री असेल, उपमुख्यमंत्री असेल, मंत्रिमंडळातले सगळे मंत्री असतील, त्यांनी पोलिसांच्या सहकार्याने कसे पैसे वाटलेत तेही चित्र आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. दहशत निर्माण करून तडीपार लोक त्या ठिकाणी मंत्र्यांसोबत फिरतानी आपण पाहिलं. आणि म्हणून सत्तेचा दुरुपयोग करणारा भाजप पक्ष हे जनतेला विकत घेऊ शकतात, दहशत निर्माण करून त्याची मतं घेऊ शकतात, अशा पद्धतीचं जे चित्र निर्माण झालं त्याचं उत्तर कसब्याची जनता देते आहे. चिचवडची जनता सुद्धा त्या पद्धतीचं देईल, कारण की त्या शेवटच्या निर्णयापर्यंत चिचवडचाही निकाल हा महाविकास आघाडीच्या बाजूला येईल अशी आमची अपेक्षा. हिंदी में जानना चाहेंगे जो कस्बा का जो चुनाव है वहां पर कांग्रेस लीड कर रही है, ये ऐसे समय में हो रहा है जो हमने देखा कि मुख्यमंत्री वहां पर जाकर प्रचार कर रहे थे, किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या ये जो लीड है वो जीत में बदलेगी? बिल्कुल जीत में बदलेगी. हमने शुरुआत में ही कहा था कि लोगों को, और पुणे एक ऐसा शहर है जिसमें पुरोगामी विचारधारा को मजबूती से, जहां शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा की कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है, उस भूमि के ऊपर जाकर बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग जिस तरह से किया, दहशत निर्माण कर तड़ीपार गुंडों को वहां जमा कर मंत्रियों के साथ तड़ीपार गुंडे घूम रहे थे, मंत्री के हाथ से पुलिस के योगदान से पैसे बांटने का काम वहां पे किया जा रहा था और वो आपके चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे थे. और मैं यही कहता हूं कि पुणे की जो धरती है वो पुरोगामी विचार के, शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की है, ऐसे अत्याचारी व्यवस्था को कभी वो मान्य नहीं करेंगे. और जनता आज जो रिजल्ट दे रही है, और मैं कस्बा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्हें इस तरह की संस्कृति को जो दहशत और पैसे के आधार पर लोकतंत्र को खरीदना चाहती है उसको जवाब देने का काम कस्बा की जनता ने देना शुरू किया है. उसका रिजल्ट के रूप में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हमारे रविंद्र रंगेकर, और मैं ये भी कहूंगा कि चिचवड़ में भी हमारा ही महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जीतेगा. देखो, आपने देखा होगा कि चिचवड़ में जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, लीड कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस बराबर है. जैसे कस्बा में लीड बढ़ते जा रहा है, वैसा चिचवड़ में नहीं बढ़ते जा रहा है, वो एक मर्यादित में है. और अभी 60% वोटिंग काउंट होने की है,
लेकिन कस्बा में आपको देखा जाएगा तो एकदम हर राउंड में हमारा उम्मीदवार आगे बढ़ते जा रहा है। और इसलिए छिछवाड़ में मुझे लगता है कि हमारा महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार आगे आएगा। मेरा यही कहना है कि कस्बा की जनता ने इनको जवाब देना शुरू किया, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में अब इनको जवाब मिलने वाला है। लास्ट इलेक्शन जो ग्रेजुएट मतदार संघ के हुए थे, टीचर मतदार संघ के, उसमें भी इनको जवाब मिल गया है। और इसलिए महाराष्ट्र में हमेशा शाह फुले अम्बेडकर विचारधारा को मान्यता मिली है और मुझे लगता है कि बीजेपी की अब रिटर्न वापसी शुरू हो चुकी है। सभी विषय पे चर्चा होगी, लेकिन कल हाउस में जिस तरह से सत्ता पक्ष ने जनता के अधिकार का हनन जो जिस तरह से किया, संजय राउत का एक इशू लेकर पूरे दिन हाउस को बंद करने का जो निर्णय लिया, उसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में किसानों की बिजली बड़े पैमाने में काटी जा रही है, फसल का नुकसान बड़े पैमाने में हो रहा है, फसल निकली तो उसका दाम न देना, उनको ना खरीदना, बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या हो रही है। यहाँ पर बेरोजगार ही जिस तरह से बढ़ते जा रही है और युवाओं में जिस तरह से सरकार के विरोध में रोष पैदा होते जा रहा है, उसके बारे में गरीबी बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, बड़े पैमाने में कुपोषित, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आंकड़े अभी कुपोषित बालकों के आए गए, हजारों के तादाद में कुपोषित बालकों का मृत्यु महाराष्ट्र में ये सरकार के रहते हुआ है। तो ये सब इशू पे चर्चा विधानसभा पे होगी और मुझे लगता है कि सरकार पूरी बैकफुट पे आई है और इसलिए ऐसे कुछ बहाने ढूंढकर हाउस को ही कब्जा कर जनता के प्रश्नों को दबाना की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, ये कदापि हम लोग सहन नहीं करेंगे। सरकार को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। आज जिस तरह से जो है वो हनन प्रस्ताव जो है वो राउत के खिलाफ लाया गया, वैसे ही उद्धव ठाकरे गुट जो है वो आज देशद्रोही के रिलेटेड हनन प्रस्ताव बराबर है। राज्य के मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति ने इस तरह का वक्तव्य करना, ये दुर्भाग्य है। अगर अपोजिशन को राष्ट्रद्रोही अगर वो बोलते हैं तो उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। किस आधार पर राष्ट्रद्रोही की बात मुख्यमंत्री ने अपोजिशन के बारे में की है, उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। आप किसी के बात का अगर बतंगड़ करते हो तो तुमने भी जो बातें कही है उसका भी जवाब आपको देना ही पड़ेगा। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।